हे गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे गाइस आप बिना एटीएम कार्ड के फोन पे में अपना अकाउंट बना सकते हो, अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हो एंड गाइस फोन पे की मदद से किसी को पैसे भी भेज पाओगे एंड चाहो तो मोबाइल रिचार्ज करना, डीटूटीएच रिचार्ज करना, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना, तो आप वो सारे काम कर पाओगे गाइस। यहाँ पे ए टू जेड काम कर सकते हो फोन पे से एंड गाइस आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं। ऐड डेबिट कार्ड के बिना एटीएम कार्ड के आज फोन पे में आपको अकाउंट बनाने के लिए बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको कंप्लीट एंड तक वॉच करना है। तो फोन पे में एक न्यू अकाउंट बनाने के लिए आपको यहां पे एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली। अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में क्यों ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बस गाइस आपका बैंक अकाउंट जो भी हो उसके साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी गाइस आप बिना एटीएम कार्ड के फोन पे में अकाउंट बना पाओगे। बस गाइस यहां से प्रोसेस को आपको स्टार्ट करते हैं एंड आपको फॉलो करते जाना है। गाइस देख सकते हो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपका एटीएम कार्ड नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड की मदद से यूपीआई पिन सेट कर सकते हो। तो गाइस आधार कार्ड यूपीआई पिन सेट का जो फ्यूचर है वो भीम यूपीआई एप्लीकेशन में है, यहाँ पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब इस सब एप्लीकेशन में भी नहीं आया है। अगर आप चाहते हो यूपीआई पिन सेट करना तो आपको यहाँ पे भीम यूपीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एंड आप जैसे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो आप 4 डिजिट का एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा एंड गाइस पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप जैसे इसमें एंटर कर लीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोला जाएगा। मैंने पहले इसमें बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है इसलिए नहीं शो हो रहा है। जस्ट गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर दो यहाँ पे देखो मेरा 2 बैंक अकाउंट ऐड है। बट गाइस आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, वो वाला बैंक अकाउंट शो नहीं होगा। आपका खाता जिस भी बैंक अकाउंट में है तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है। मान लो गाइस यहाँ पे जैसा कि नहीं मिलता तो आप ऊपर सर्च कर लो, तो आपको कोई सा बैंक क्यों ना हो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद जैसे सर्च करोगे वो बैंक आ जाएगा। जस्ट गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के साथ यहाँ पे देख जाता हूँ गाइस जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे प्लीज वेट कर रहा है एंड वेरीफाई होकर आपका बैंक यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड गाइस जैसे ही बैंक अकाउंट यहाँ पे शो हो जाता है तो आपको नीचे कन्फर्म करने का ऑप्शन मिलेगा। आप कन्फर्म करके आप जैसे ही कन्फर्म करेगा तो आपका जो बैंक अकाउंट होगा सक्सेसफुली कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। एंड गाइस जैसे ही ऐड हो जाता है तो आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा 4 डिजिट यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पे जो टिक शो हो रहा है ना, ये टिक आपके पास शो नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले से अपना यूपीआई पिन सेट करके रखा है इसलिए टिक से हो रहा है। ठीक है, जस्ट गाइस आपको इस पे क्लिक करना है सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे एंड आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन शो हो जाएगा। एंड गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो आपको इसको सेलेक्ट नहीं करना है। एंड गाइस आपको अपने आधार कार्ड से आपका यूपीआई पिन बनाना, तो आपको दूसरे नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड एक्सेप्ट करना है एंड आप यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट कर लेते हो गाइस आपके सामने शो हो जाएगा इंटर 4 डिजिट लास्ट आधार नंबर। तो आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट इंटर करना है। इंटर करने के बाद गाइस आप जैसे ही फिर से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो गाइस आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई पिन सेट करने का। तो आपको क्या करना है, 4 डिजिट का एक स्ट्रांग यूपीआई पिन सेट कर लेना। आप जैसे ही यहाँ पे 4 डिजिट का एक स्ट्रांग यूपीआई पिन सेट कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे इंटर करने के बाद आपको टिक पे करना, आपको 2 बार कन्फर्मेशन के लिए मांगेगा। तो आपको क्या करना है, 2 बार कन्फर्मेशन के लिए डाल देना अपना यूपीआई पिन एंड आप जैसे ही यहाँ पे अपना यूपीआई पिन सेट कर लीजिएगा अपने आधार कार्ड से, आपका इस एप्लीकेशन में काम खत्म हो जाता है। जस्ट गाइस इतना हो जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पर जल्दी मैं अपना फोन पे भी किस्म को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद गाइस आपको इसमें अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा, मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, वो सब आप कर लेना। मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो गाइस लंबी हो जाएगी, इसलिए तो आपको लॉगिन करना आता ही होंगे। फोन पे एप्लीकेशन सीधा नंबर डाल के ओटीपी आएगा, वेरीफाई हो जाएगा एंड आप फोन पे में सक्सेसफुली लॉगिन कर जाओगे। एंड गाइस आपने जो अभी अपने बैंक में यूपीआई पिन सेट किया अपने आधार कार्ड की मदद से, जस्ट गाइस उसी बैंक को फोन पे के अंदर आपको लिंक कर देना है। लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना। आप जैसे ही प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करोगे जस्ट गाइस आपको यहां पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप यहां पे गाइस देख सकते हो, तो आपके जितने भी सारे बैंक यहां पे होते हैं सारा शो हो जाएगा। तो आप गाइस जिस भी बैंक में अपना यूपीआई पिन सेट किए हो अपने आधार कार्ड की मदद से, तो आपको अगर नहीं मिलता तो आपको ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां पे आपको सर्च करना अपना बैंक एंड अपने बैंक अकाउंट को यहां पे क्लिक करके यहां पे देखो सक्सेसफुली जैसा कि यहां पे प्रोसेस होगा एंड गाइस आपका जो बैंक अकाउंट है बिल्कुल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो आपको अभी अपने बैंक अकाउंट को यहां पे देखो मैंने पहले से ऐड कर रखा है यूको बैंक,
सक्सेसफुली मेरा बैंक अकाउंट ऐड है। तो आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट को ऐड करना है। ऐड करने का जस्ट बाय द वे आप फोन पे का एप्लीकेशन का यूज कर पाओगे बिना डेबिट कार्ड के, बिना एटीएम कार्ड के। एंड उस आप उससे किसी को पैसे भेज सकते हो, किसी को मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, किसी का बिल पेमेंट कर सकते हो, वो सारे काम कर सकते हो जो फोन पे की में होता है गाइस। ठीक है, आई होप दोस्तों आज की वीडियो को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर करना गाइस। तो फिर से मिलते हैं ऐसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।